नमस्कार, मैं साध्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस सेशन में। आज हम एक बहुत ही ख़ास मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक होने वाला है प्रोस्टेट वृद्धि, जिसे हम प्रोस्टेट इनलार्ज्ड भी कहते हैं। ये जो समस्या है, ये सबसे ज़्यादा जो ओल्ड एज पुरुष होते हैं उनमें पाया जाता है। और आज हमारे साथ लखनऊ के जाने माने डॉक्टर जुड़ने वाले हैं, जिनके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन लखनऊ, डॉक्टर दिवाकर दलेला। ही इज़ फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। नमस्कार। और डॉक्टर साहब, आज हम इस समस्या पे बात करने वाले हैं, क्योंकि इस समस्या से काफ़ी सारे लोग जूझ रहे हैं। और जो ये समस्या है, मेनली जो वृद्ध पुरुष होते हैं जिनकी एज आगे बढ़ती है, वो ये इस समस्या से जूझते हैं। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस बारे में अवेयर नहीं है अभी तक, और शायद इस अवेयरनेस के बिना वो जो बीमारी है वो बहुत ही घातक आगे चल के बन जाती है। और वो जूझ रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या ये इशू चल रहा है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ मेरे सवाल यहाँ पर हैं, जो हमारी जो ऑडियंस है जो हमें देख रही है, शायद उनके मन में भी ये सवाल चल रहे होंगे। मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगी और मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें आप आंसर्स हैं वो बताएं। तो चलिए सबसे पहले पहला सवाल यही है, जब हम प्रोस्टेट वृद्धि की बात कर रहे हैं, कि जो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है ये हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? देखिए, जैसे कि एक सामान्य ज्ञान है कि हमारे पेट के निचले हिस्से में मूत्राशय होता है, और मूत्राशय के से एक मूत्र प्रवाह करने की नली होती है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो मूत्राशय के मुख द्वार पर ये एक प्रोस्टेट ग्रंथि, अखरोट के आकार की छोटी सी ग्रंथि होती है जो मूत्र नलिका को चारों ओर से घेरे रहती है। और जब भी कोई व्यक्ति पुरुष को मूत्र त्याग करना होता है तो मूत्र ये ग्रंथि थोड़ा साइड से खुल जाती है और हम लोग धारा प्रवाह रूप से पेशाब कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य है? देखिए, वैसे तो इस ग्रंथि के बहुत से कार्य हैं। जैसे कोई भी ग्रंथि शरीर में होती है, उसका मुख्य कारण होता है कि वो कुछ स्राव बनाए, कुछ सीक्रेशंस बनाए। तो प्रोस्टेट ग्रंथि अधिकतर पुरुषों में जो शुक्राणु होते हैं या जो वीर्य होता है उसका कुछ हिस्सा प्रोस्टेट ग्रंथि से बनता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर बहुत छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, और हर नलिका एक छोटा छोटा हिस्सा बनाती है और इकट्ठा होकर बाद में वीर्य के रूप में शरीर से बाहर आता है। जैसे जैसे आयु बढ़ जाती है तो इसका प्रयोग कुछ कम हो जाता है और इस ग्रंथि में थोड़े परिवर्तन आने लगते हैं, इस कारण से इसमें बीमारी आनी शुरू हो जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि में सामान्यतः क्या रोग होते हैं? देखिए, मुख्यतः प्रोस्टेट ग्रंथि में तीन प्रकार के रोग पाए जाते हैं। सबसे सामान्य तो होता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर कोई संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन, जिसे हम लोग चिकित्सकीय भाषा में प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। यह बीमारी प्राय कम उम्र के पुरुषों में होती है, जैसे कि 30 से लेकर 40-45 साल तक की उम्र में पाई जाती है। दूसरी बीमारी है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट वृद्धि, या मेडिकल लैंग्वेज में इसको बिनाइन एनलार्जमेंट कहते हैं। इसमें ग्रंथि का आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है, कुछ पुरुषों में आकार नहीं बढ़ता है, उसकी जो प्रोस्टेट ग्रंथि की संरचना है उसमें कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि वो रुकाव पैदा करती है, तो इसको हम लोग बिनाइन वृद्धि बोलते हैं। और तीसरा रोग है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर, ये प्राय 70 वर्ष के बाद की आयु में अक्सर देखने में आता है, आजकल कुछ कम उम्र में भी देखने में आने लग गया। अगर कैंसर भी एक प्रोस्टेट ग्रंथि का सामान्य रोग है। इस प्रकार से यदि मैं कहूँ तो तीन रोग हैं, प्रोस्टेट में संक्रमण, या फिर बिनाइन वृद्धि, या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर। अच्छा, तो अभी आपने बिनाइन प्रोस्टेट वृद्धि के बारे में बात की, तो मैं जानना चाहूँगी कि बिनाइन प्रोस्टेट वृद्धि रोग क्या है? देखिए, किसी भी पुरुष को जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जैसे कि मैंने बताया कि ये इसके दो मुख्य लोब्स होते हैं, राइट लेफ्ट, सामान्यतः प्रोस्टेट ग्रंथि किसी भी पुरुष को 25 से 30 ml इसका आकार होता है। तो जब ये प्रोस्टेट ग्रंथि थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो सामान्यतः व्यक्ति पेशाब करेगा, प्रोस्टेट ग्रंथि आसानी से हट जाएगी, आसानी से खुल जाएगी। जब प्रोस्टेट ग्रंथि बड़ी हो जाती है और आकार में इस प्रकार की हो जाए कि पेशाब की थैली को संकुचन आया, रोगी मूत्र त्याग करना चाहते हैं मगर वो ग्रंथि अपनी जगह से हटती नहीं है, तो इस कारण से वो पेशाब की थैली पर रुकावट पैदा करने लगती है, तो बिनाइन प्रोस्टेट ग्रंथि इस प्रकार का रोग है। समझ एक तरह से ये बढ़ती आयु की निशानी है, और लगभग ऐसा देखा गया कि 60 वर्ष की आयु में 60% लोग, 70 वर्ष की आयु में 70% लोग
इस बनाइन प्रोस्टेट वृद्धि रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि क्या प्रोस्टेट में कैंसर रोग भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि प्रोस्टेट ग्रंथि में तीन प्रकार के रोग होते हैं, संक्रमण हो जाना या बिनाइन वृद्धि हो जाना या कैंसर हो जाना। तो कैंसर आज हमारे समाज में एक काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला कैंसर है, हमारे खान पान में परिवर्तन के कारण या समझिए कि समाज में पुरुषों की आयु बढ़ जाने के कारण ये प्रोस्टेट कैंसर बहुत सामान्य रोग है। और इसमें क्या होगा कि जैसे बिनाइन वृद्धि में तो संपूर्ण ग्रंथि ही बढ़ जाती है, मगर कैंसर वाली बीमारी में प्रोस्टेट ग्रंथि में किसी एक जगह पर एक गांठ पैदा होती है और शुरू की अवस्था में वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की रहती है, रोगी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। फिर धीरे धीरे वो ग्रंथि में जो गांठ है वो धीरे धीरे जब बढ़ जाती है तो या तो वो पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करती है या फिर वो मूत्राशय के अंदर बढ़ के गुर्दे की नली को रुकावट करती है या फिर वो कभी कभी पेशाब में रक्त आने लग जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर एक आज आप मुझसे पूछें तो काफ़ी सामान्य रोग हो चुका है और इसको पकड़ना हमारे लिए डॉक्टरों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी समय पर चिकित्सा हो जाए तो रोगी ठीक, नहीं ठीक हो तो फिर गंभीर परिणाम देती है। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर किन लोगों में अधिक हो सकता है? हाँ देखिए, जिन लोगों के जो परिवार में, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, उसके या तो उसके पिता को या उसके चाचा को या उसके मामा को, तो जो उसके साथ रक्त से जुड़े हुए संबंधी हैं, या उसके बड़े भाई को, परिवार में यदि कैंसर रोग चल रहा है प्रोस्टेट का, तो संभावना अधिक हो जाती है कि उस पुरुष को कैंसर हो सकता है। या फिर दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अपने खाने पीने में थोड़ा लापरवाह है और उनका वजन आवश्यकता से अधिक ज़्यादा है, तो ऐसा देखने में आया कि जिन लोगों को मोटापा होता है उन लोगों में भी प्रोस्टेट कैंसर कुछ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कॉमनली जो प्रोस्टेट वृद्धि है, इसके क्या लक्षण होते हैं? हाँ, मतलब आप पूछना चाह रही हैं कि कोई भी रोगी कैसे जाने कोई भी रोगी हो रही है। एग्जैक्टली, देखिए क्या है, शुरू की अवस्था में तो पुरुषों को मूत्रजाग करने की इच्छा होने लगती है बार बार, कि हम बार बार जाएं, विशेषकर रात में उनकी नींद पूरी नहीं होती और उनको बार बार उठना पड़ता है, एक बार दो बार तीन बार जाते हैं और रात में मूत्रजाग करके आते हैं, फिर सोते हैं, फिर जगते हैं। दिन में उन्हें क्या होता है कि बार बार यूरिन लगेगा और कई बार तो क्या होता है, एकाएक से कुछ और काम कर रहे हैं, एकाएक से इच्छा हो गई कि हमें यूरिन करना चाहिए, अब वो जाते हैं दौड़ के टॉयलेट में जाके यूरिन करके आते हैं। कभी कभी तो उनका कंट्रोल ही नहीं रह पाता है, जोर से लगा और इतने ज़ोर से यूरिन लगा कि कपड़ों में ही छूट गया। तो प्रारंभिक अवस्था में तो ऐसी परेशानी आती हैं, बार बार मूत्र लगना या कंट्रोल ना होना। और फिर जब ये रोगी मूत्र त्याग करने के लिए बाथरूम में जाते हैं तो उनको देखने में लगता है कि वो यूरिन कर नहीं पा रहे हैं, यूरिन करने का जो प्रारंभ है उसे करने में उन्हें कुछ समय लग रहा है, और जब थोड़ी मूत्र आना शुरू हुआ तो उसकी धार का उन्हें जो फोर्स है लगता है स्लो हो गया है, ठीक से यूरिन नहीं आ रही है, और अंत में तो रुक रुक के थोड़ी देर तक बूंद बूंद गिरती रहती हैं, या कई बार उन्हें लगता है कि हमारा अभी पेशाब पूरा ही नहीं हुआ और वो खड़े रहते हैं बाथरूम में थोड़ी देर तक। तो इस प्रकार उनका समय टॉयलेट में काफ़ी देर तक निकलने लगता है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि यदि प्रोस्टेट वृद्धि की समुचित चिकित्सा ना हो तो? हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये सवाल ऐसा है कि हर रोगी मुझसे पूछता है कि साहब प्रोस्टेट बढ़ी है, काम चल रहा है, 65 साल के हो गए हैं, थोड़े साल और रह गए हैं, इसको ऐसे ही चलने देते हैं तो क्या होगा? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई ये नहीं जानता व्यक्ति कि उसकी आयु कितनी होने वाली है, ये सोच के कि हम आज 62 साल के हम आगे इलाज ना करें ये बिल्कुल समझदारी नहीं है। और इसमें होगा क्या, अगर प्रोस्टेट ग्रंथि की रुकावट को ऐसे ही चलने दे रोगी, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो मूत्राशय को खाली करना होता है वो ठीक से खाली नहीं होता, रोगी वाशरूम में जाएंगे, यूरिन पास करेंगे, धीरे धीरे धार से होगी, थोड़ी होगी बाकी उनके अंदर रुकी रह जाएगी। और धीरे धीरे देखने में आया कि पहले तो प्रारंभिक अवस्था में 50 cc 60 cc 70 cc पेशाब अंदर रुक जाती है, जब और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो 100 200 ml 300 ml पेशाब अंदर रुकने लगता है, तो वो व्यक्ति अपने पेशाब की थैली खाली नहीं कर पाते हैं, तो दिन भर टॉयलेट में जाते रहते हैं। और फिर इसके अलावा क्या होगा, उस ठहरे हुए पेशाब में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन, रोगी को जलन हो जाएगी, पेशाब में दर्द हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, पेशाब में बदबू आने लगेगी, मवाद आने लग जाएगा, या फिर उस रुके हुए पेशाब के अंदर क्रिस्टल्स एक के ऊपर एक जमा होकर एक पत्थर बना सकते हैं, रोगी को पत्थर बन जाएगा, या फिर उसको
एकाएक से बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाएगी पेशाब के रास्ते, और सबसे ख़राब अगर वो पेशाब की थैली पूरा प्रेशर लगा रही है और यूरिन बाहर नहीं जा रहा है तो वो प्रेशर वापस ऊपर किडनी में जाने लगता है, और देखने में आया कि धीरे धीरे रोगी की किडनी में सूजन पैदा हो जाती है। इसको हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, और धीरे धीरे किडनी का काम प्रभावित हो जाता है, गुर्दे खराब होने लग जाते हैं, यूरिया बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, किडनी फेल होने लगेगी, कुछ लोग डायलिसिस पे भी पहुंच जाते हैं। तो कृपया इस रोग की गंभीरता को कम ना आँकें, ये ना समझें कि ये बढ़ती उम्र की निशानी है, और ये तो कदापि ना समझें कि मैं इसको ऐसे ही चलने दूंगा और इसकी समुचित चिकित्सा नहीं करूँगा। इस डिजीज़ की टाइमली डायग्नोसिस के लिए कौन सी जो जांच है वो आवश्यक है? हाँ देखिए, आजकल सबसे पहले तो सबसे सरल जांच है कि हम जब भी रोगी हमें दिखाने आता है तो हम उसके एक मल द्वार से उंगली से जांच करके देख लेते हैं कि उसकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ये तो हम लोग काम करते हैं चिकित्सक, मगर वैसे एक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम लोग तुरंत ही जान सकते हैं कि रोगी की प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, या वो मूत्राशय में रुकावट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत महत्वपूर्ण जांच है। दूसरी जांच जो कि सभी यूरोलॉजी के चिकित्सक लोगों के साथ की जाती है, हम रोगी से कहते हैं कि वो टॉयलेट में जाए, वहाँ पे एक कमोड जैसी मशीन होती है, उसके अंदर यूरिन पास करने से ये पता चल जाता है कि रोगी ने कितने फोर्स से यूरिन पास किया, कितना समय लगाया यूरिन करने में, धार की तेज़ी कैसी थी। तो इस टेस्ट को हम लोग यूरोफ्लोमीटरी टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये यूरिन के जो फ्लो है उसके कुछ मेजरमेंट्स ले लेता है। तो रोगी के जो सिम्टम है वो यूरोफ्लोमीटरी टेस्ट जो एक ग्राफ के रूप में, एक स्ट्रिप के रूप में हमें देखने को मिलता है, उससे हम जान जाते हैं कि रोगी के की जो रुकावट है वो कितनी गंभीर है। इसके अलावा हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं रोगी के खून के, जैसे किडनी कैसा काम कर रही है, सीरम क्रिएटिनिन या यूरिक एसिड या फिर PSA। तो इस प्रकार की जाँचें सभी रोगियों को करनी चाहिए अपना समझने के लिए कि उनकी रोग की स्थिति क्या है। अभी आपने एक PSA टेस्ट के बारे में बताया, तो ये PSA जांच क्या है? देखिए PSA का फुल फॉर्म है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये एक प्रकार की प्रोटीन है जो प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा ब्लड में भेजी जाती है। तो जब प्रोस्टेट में जब भी कोई रोग होगा तो वो PSA में परिवर्तन आ जाते हैं। इसलिए हम लोग हर रोगी का ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि PSA की मात्रा कितनी है। ये हमें मुख्यतः कैंसर की बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। वैसे ये प्रोस्टेट के संक्रमण में भी बढ़ता है और कुछ लोगों में जो बिनाइन प्रोस्टेट वृद्धि होती है उन लोगों में भी बढ़ता है, पर मुख्य इसका जो योगदान है वो प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए है। PSA जांच से पहले हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैंने बताया ना कि यदि ये बढ़ा होगा तो लोग समझते हैं कि उन्हें प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर आ गया, और अगर ये किसी गलत वजह से बढ़ गया, कोई टेक्निकल एरर की वजह से या किसी अन्य वजह से, तो खामखा में एक मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि यदि किसी रोगी को प्रोस्टेट ग्रंथि में थोड़ा संक्रमण चल रहा है, प्रोस्टेटाइटिस चल रही है, तो उसका PSA सामान्य से थोड़ा अधिक होगा। दूसरा, यदि रोगी को चिकित्सक ने मलद्वार द्वारा एक उंगली से जाँच करी और जाँच करते समय कुछ ज़्यादा दबाव बनाया और तुरंत ही जाके रोगी ने अपना खून का नमूना दे दिया, तो उसका PSA बढ़ाएगा। तीसरा, अगर रोगी को पेशाब रुक गया किसी कारणवश, एक पेशाब रुक गया, काफ़ी देर रुका रहा और फिर उसके लिए कैथेटर लगा दिया गया, और उसके कुछ ही देर बाद अगर वो अपना खून का नमूना दे तो PSA रिपोर्ट बढ़ जाएगी। और चौथा, यदि रोगी को बहुत कब्ज है, पेट ठीक से साफ नहीं होता है और मल त्याग करने के लिए काफ़ी जोर लगा लगा के वो लैट्रिन पास करते हैं, तो इन सभी परिस्थितियों में PSA बढ़ जाएगा। तो रोगी को क्या ध्यान देना चाहिए, जब भी वो PSA टेस्ट करने जा रहा है तो देखे उसे संक्रमण तो नहीं है, उसे कैथेटर तो नहीं लगा है, डॉक्टर ने कोई चिकित्सक की जाँच तो नहीं करी है मल द्वार द्वारा या दूरबीन की जाँच तो नहीं करी है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा कब्ज तो नहीं हुआ है। यदि इनका ध्यान रखेगा तो एक अनावश्यक मानसिक तनाव से बच सकते हैं। अगर हम बात करें PSA टेस्ट की, तो क्या PSA का बढ़ना हमेशा कैंसर को दर्शाता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने अभी बताया आपको कि PSA बढ़ना ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंसर में होता है। यदि प्रोस्टेट ग्रंथि में संक्रमण चल रहा है, विशेषकर अगर किसी रोगी को डायबिटीज़ है और वो कंट्रोल नहीं है, या उनका कब्ज रहता है, पेट ठीक नहीं रहता है, तो उनका PSA बढ़ सकता है और वो उसको ये ना समझें कि कैंसर हुआ है।
तो इस प्रकार किसी ने पेशाब करते हुए कैथेटर लगा दिया है ना, या प्रोस्टेट ग्रंथि से कोई भी छेड़खानी हुई तो उनका पीएसए बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम लोगों का, चिकित्सक लोगों का एक काफ़ी एक कि महत्वपूर्ण समझिए डायग्नोसिस मेकिंग का आयाम है कि रोगी देख के हम ये जानें और समझें कि क्या इसका पीएसए कैंसर की वजह से है या इनका पीएसए कई किसी अन्य रोग की वजह से है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंसर से ही पीएसए बढ़ता है, और बहुत से कारणों से बढ़ सकता है, और रोगी पीएसए रोग की रिपोर्ट को बढ़ा देखकर अनावश्यक रूप से ज़्यादा चिंतित ना हो। हम लोग समझेंगे क्यों बढ़ाया, क्या उसको हुआ है। अगर हम बिनाइन वृद्धि की बात करें तो इसकी चिकित्सा हम किस प्रकार से करें? देखिए आज की तारीख में हमारे पास दो मुख्य तरीके हैं इलाज करने के, या तो हम रोगी को कुछ दवाइयाँ दें उससे भी ठीक होते हैं, या फिर उसकी कोई शल्यक्रिया करें। तो ये रोगी की जो बीमारी है किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, इसके आधार पर हम लोग करते हैं। तो जिन लोगों की बीमारियाँ या उनके लक्षण प्रारंभिक अवस्था के होते हैं, जैसे थोड़ी सी रुकावट है या थोड़ी सी बार बार यूरिन ज़्यादा आती है और जांच करने पे उनकी कोई अवस्था गंभीर नहीं है, मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि बहुत बड़ी नहीं है, पेशाब की थैली में बहुत ज़्यादा यूरिन नहीं रुकता है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो कहना होगा कि प्रारंभिक अवस्था की बीमारी है। तो इसके लिए हम रोगी को दवाइयाँ देते हैं, और आज हमारे पास दो प्रकार की दवाइयाँ हमें उपलब्ध हैं। एक तो जिन्हें हम अल्फा ब्लॉकर कहते हैं, अल्फा ब्लॉकर दवाई दिन में एक बार लेनी होती है, और वो क्या करेगी कि प्रोस्टेट ग्रंथि की जो मांसपेशियां हैं जो उसमें तनाव पैदा करती हैं, कसाव पैदा करती हैं, जिस कारण रोगी का मूत्र का प्रवाह रुकता है, तो वो दवा खाने से ग्रंथि रिलैक्स हो जाती है, लूज़ हो जाती है, तो रोगी को मूत्र त्याग करने में रुकावट का एहसास फिर नहीं होता है, धारा अच्छी हो जाती है, पेशाब की थैली बेहतर खाली होती है। इसी प्रकार दूसरी प्रकार की दवाइयाँ हैं उनको हम लोग कहते हैं 5-alpha reductase inhibitor। ये क्या करती हैं, जिन लोगों की ग्रंथि बड़ी हो गई, 35 cc से ज़्यादा बड़ी है, 40 cc की है, 50, 60, 70 जो भी है, मगर साइज़ तो बड़ा है मगर बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं है, तो उनको आज हम ये दवाएं दे सकते हैं। ये भी दिन में एक बार खानी होती है, और धीरे धीरे 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार वापस फिर से घट जाता है। जिसका 60 cc का प्रोस्टेट है वो फिर से 40-50-30 cc तक पहुंच सकता है, और रोगी एकदम सामान्य हो सकते हैं। तो दवाएं बहुत कारगर हैं, बहुत लाभकारी हैं, सुरक्षित हैं, कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, और ऐसी बहुत महंगी भी नहीं है, लंबे समय के लिए रोगी आराम से खा सकता है। मगर हाँ, अगर किसी रोगी की बीमारी बढ़ी हुई है, बढ़ी से मतलब उसको दवाओं से लाभ नहीं हो रहा है ना, या कुछ भी प्रोस्टेट ग्रंथि ज़्यादा बढ़ी है, तो हम इसको शल्यक्रिया से ठीक करते हैं। और शल्यक्रिया में हम लोग क्या करेंगे कि एक कमर में एक इंजेक्शन लगाते हैं, शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है, और फिर मूत्र मार्ग से ही एक दूरबीन प्रवेश करके प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं, और वहां उसको या तो लेजर किरणों से या बाइपोलर टेक्नोलॉजी से या कई थूलियम लेजर से, बहुत सी विधियाँ हैं, उनसे हम प्रोस्टेट ग्रंथि को अंदर ही अंदर से ऑपरेट करके निकाल देते हैं, और इस प्रकार रोगी के मूत्राशय में जो रुकावट है वो ख़त्म हो जाती है, रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ये बात है कि रोगी ये ना समझे कि जब हम डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन कर देंगे, और सिर्फ मात्र इसी डर की वजह से रोगी दिखाने नहीं आते। ऐसा नहीं है कि हम सभी रोगी का ऑपरेशन करते हैं। आज हम उससे पूछें तो 100 मरीजों में से शायद 80% रोगी दवाओं से ठीक होते हैं, और मात्र 20% या कई बार तो उससे भी कम रोगियों को शल्यक्रिया की ज़रूरत पड़ती है। जो प्रोस्टेट रोगी होते हैं उनका जो सिम्टम्स होता है उसमें बेसिकली ये होता है कि रात में उन्हें बार बार उठना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, तो इसके लिए वो क्या करें? देखिए क्या है कि सबसे पहले ध्यान दें कि मान लीजिए 10 बजे सोते हैं, तो सोने से 3 घंटा पहले वो तरल पदार्थ लेने की जो मात्रा है जितना कम से कम कर दें उतना अच्छा है। जैसे प्रायः देखने में आया कि हमारे समाज में वृद्ध लोग सोने से पहले दूध पी के सोते हैं, तो दूध पीने से उनको रात में यूरिन 2 बार ज़्यादा आ जाएगी। कुछ लोग दवाएं खाते हैं रात को, और वो कई प्रकार की दवाएं खाते हैं, तो दवाई खाते समय 1-2 गिलास पानी अनजाने में पी जाते हैं, या कुछ मेहमान आ गए तो आपने चाय पी लिया, फ्रूट जूस पी लिया, तो 7 बजे के बाद आप थोड़ा सतर्क रहें और ध्यान दें कि आपकी तरल पदार्थ की मात्रा कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही है। जितना कम कर लेंगे रात में बार बार उठना ही नहीं पड़ेगा यूरिन पास करने के लिए, तो बड़ा सरल उपाय है। डॉक्टर साहब, जो प्रोस्टेट के रोगी हैं
वो इनके अलावा किन अन्य बातों पे ध्यान दें? देखिए, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल में चेंज कर लें। अगर रोगी उन पर ध्यान दे तो उसके जो लक्षण है ना, उनकी गंभीरता या उनसे जो परेशानी हो रही है वो काफ़ी कम हो जाती है उसकी। सर्वप्रथम तो ध्यान दें कि कब्जियत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी वृद्ध पुरुष को कब्ज है तो उसके यूरिन के सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कब्ज का समुचित चिकित्सा कर लें, समय रहते ही कर लें, उसको नज़रअंदाज नहीं करें। जो भी दवा खानी है, जो भी अपने आहार में परिवर्तन करना है, फल खाने हैं, इसे गोल की भूसी खानी है, कोई दवा पीनी है, जो भी आपसे बने कब्ज ठीक करें। दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर जो आप पानी पीते हैं उसके लिए प्रति ज़रा थोड़ा सतर्क रहें। अक्सर मैंने देखा लोगों को कोई भी कह देता है कि आपको यूरिन की बीमारी है, पानी ज़्यादा पीजिए, तो बेचारे वो पानी ज़्यादा पीने लग जाते हैं इस सोच के कि शायद उनकी जो यूरिनरी सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा फ्लश होगा। ऐसा नहीं है, पानी ज़्यादा पीने से उनको ज़्यादा यूरिन लगेगी, ज़्यादा रुकावट होगी, रात में बार बार पेशाब जाएंगे। तो जिन लोगों को प्रोस्टेट की समस्या है और उसमें कोई इन्फेक्शन अगर नहीं है तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है पानी जरूरत से ज़्यादा पीने की। तीसरी बात, कॉफ़ी ना पिएं, अल्कोहल ना पिएं, ऐसा कोई चीज़ ना लें जो यूरिन की मात्रा को बढ़ाए। कॉफ़ी एकाएक पेशाब की थैली का संकोचन बढ़ाती है, तुरंत तुरंत रोगी को यूरिन लगने लग जाती है। और सबसे अच्छा है कि नित प्रतिदिन थोड़ा व्यायाम करें। देखने में आया है कि जो भी वृद्धजन सुबह के समय वॉक करने जाते हैं या थोड़ी और अच्छी स्तर की एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों में प्रोस्टेट की तकलीफ थोड़ा कम होती है। तो ये सब करने से वो थोड़ा बच सकते हैं और थोड़ा गंभीरता कम हो सकती है रोग की। अच्छा, अगर हम बात करें सर्जरी की, तो ये बेसिकली किन रोगियों को इसकी ज़रूरत पड़ती है? देखिए, मैंने आपको पहले भी इस बारे में हिंट किया था कि अगर 100 रोगी देखने हैं तो कुछ 18-20% रोगियों को ही शल्यक्रिया की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये कैसे छांटते हैं, यही आप उसे पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो वो रोगी जो 6-8 महीना दवा खा चुके हैं और उनको लगता है कि दवा उन पर प्रभावी नहीं हो रही है किसी कारणवश, या वो दवा नहीं खाना चाहते फॉर सम रीज़न, साइड इफ़ेक्ट है, दवा उनको उपलब्ध नहीं है, या ऐसे दूर दराज देश में गांव में रहते हैं जहाँ दवा मुहैया नहीं हो पाती है, तो इन कारणों से हमें कभी कभी रोगी हमसे कहते हैं कि साहब इसका हमारा परमानेंट इलाज कर दीजिए, हम बार बार नहीं आ सकते आपको दिखाने या दवा लेने। तो एक तो ये वजह हो जाती है। दूसरी वजह क्या है कि उनको यूरिन में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने की वजह से रक्त आने लगे और बार बार ब्लीडिंग हो जाए। अक्सर अक्सर देखने में आया कि आजकल लोगों को हार्ट डिजीज़ होती है और हार्ट डिजीज़ के रहते हैं उनको एस्पिरिन खानी है, खून पतला करने की दवा खानी है, तो ज़रा सा भी प्रोस्टेट में प्रेशर लगाया यूरिन से ब्लड आ गया। तो ऐसे लोगों को लगता है कि वो प्रोस्टेट का अगर ऑपरेशन कर लें तो रुकावट हट जाएगी और ब्लीडिंग नहीं होगी। इसी प्रकार कुछ रोगियों में पेशाब रुका रहने की वजह से उसमें पत्थर बन जाते हैं और कई बार तो बहुत बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं, तो उन पथरी को निकालना होता है। तो साथ साथ हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि को भी दूरबीन से निकालते हैं। या फिर कुछ रोगियों की पेशाब बिल्कुल रुक गई है, होती ही नहीं है, तो एक बार कैथेटर लगाया, फिर निकाला, नहीं यूरिन पास हुआ, फिर दोबारा लगाया। तो जिन रोगियों को पेशाब बार बार रुक रही है, बार बार उन्हें पेशाब कराते कैथेटर लगाना पड़ता है, जीवन कैथेटर पर ही निर्भर हो गया है, उन लोगों को हम ऑपरेशन करते हैं। या फिर कुछ लोगों में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है और इतने दिनों से बीमारी चल रही है, रुकावट है कि गुर्दों में सूजन आ गई, है ना, मैंने आपको बताया था कि गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, तो ये भी रिस्की है, जान को ख़तरा हो जाएगा, इसलिए रुकावट का पक्का इलाज कर देना चाहिए, ठीक है। या फिर कुछ लोगों में प्रोस्टेट ग्रंथि के चलते बार बार पेशाब की थैली पर इन्फेक्शन होता रहता है, दवा खा रहे हैं थोड़ा आराम है पर फिर इन्फेक्शन हो गया, पेशाब में जलन, दर्द, बुखार, इलाज करिए, एंटीबायोटिक खाया 15 दिन 20 दिन, अगले महीने 30 महीने फिर इन्फेक्शन हो गया। तो जिन रोगियों को प्रोस्टेट की तकलीफ़ ज़्यादा है और वो ज़्यादा कष्ट पा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उन लोगों में हम शल्यक्रिया करते हैं, वैसे नहीं, वैसे दवाओं से इलाज करते हैं। कोई भी रोगी होता है, सब आजकल तो सबके दिमाग में यही होता है कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, हम इस कैंसर से कैसे बचें, तो जो हमारे प्रोस्टेट के रोगी हैं वो स्पेशली कैंसर से कैसे बचें? देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन आ गए हैं हमारे देश में, खाने पीने में, रहन सहन में, जिस कारण ये प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर बढ़ रहा है। तो जो हम जिन परिस्थितियों को सुधार सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। जैसे कि अगर हम अपने खाने पीने पर ध्यान दें, और ये देखने में आया कि जो लोग
टमाटर का सूप इस्तेमाल करते हैं, मतलब हॉट टोमेटो होना चाहिए। सलाद में काट के टमाटो खाया गया वो नहीं। अगर हॉट टोमेटो है तो उसमें एक लाइकोपीन नाम का पदार्थ होता है, वो हमारे शरीर को मिलता है और उससे प्रोस्टेट कैंसर में रोकथाम किसी हद तक संभव है। दूसरा, जो फ्लैक्स सीड्स आते हैं अलसी के बीज, उनको उनका पाउडर खाने से फ़ायदा होता है। तो कुछ लोग अलसी के बीज को भून के खाना चाहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा रोस्ट नहीं करना है। अलसी के बीज को पिसा लें, उसका आटा जैसा बना लें, उसका कोई लड्डू बना लें या कोई सलाद में मिला के खा लें, किसी भी चीज़ में मिला के खाएँ। फ्लैक्स सीड्स खाने से भी रोकथाम होती है। या फिर गार्लिक की जो नहीं होती है कच्ची गार्लिक, अच्छा, वो खाएँ अगर खा सकते हैं तो। सब लोग नहीं खा पाते हैं, जो लोग खा पाते हैं वो खाएं तो उससे उनको फ़ायदा हो सकता है। या फिर सोया बीन खाने से भी, उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और रोगियों को कैंसर काफ़ी हद तक रुक सकता है। तो मतलब ये कि खाने पीने में ध्यान दें और समुचित व्यायाम करें, अपना वेट को ना बढ़ने दें, तो कैंसर नहीं होगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आज आपने बहुत सारी ऐसी जानकारी दी है जो शायद इस समस्या से जूझ रहे रोगियों को नहीं पता है, या शायद वो पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि वो इस रोग से ग्रसित है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपकी इस जानकारियों से मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे रोगी या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन्हें बहुत आराम मिलेगा, बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिससे वो लाभ उठा सकेंगे और ऐसे ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और आपकी दी हुई जो टिप्स उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।